लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर मिली करारी मात के बाद अब सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की नजर राज्य की सत्ता बचाने पर है। अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा से कड़ी चुनौती का मिलने का अंदेशा आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को भी है। पार्टी अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। समय से पहले चुनाव कराने जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में आ गए हैं और जमीनी दौर शुरू कर दिया। केजरीवाल ने शनिवार सुबह देवली विधानसभा की विभिन्न कॉलोनियों में घर घर जाकर समस्याएं सुनी, पानी की समस्या दूर करने का वादा किया और अधिकारियों को फटकार लगाई। अरविंद केजरीवाल ने पानी की आपूर्ति के लिए इलाके में पाइपलाइन डालने का आदेश दे दिया और जाने का दावा करते हुए कहा कि यह कार्य 2 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि 4 महीने के अंदर पाइपलाइन का कार्य पूरा कर आप सबके घरों में टोटी से सोनिया बिहार के पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पद यात्रा के दौरान 2 प्राइवेट बोरवेल भी पकड़े। मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को दोनों बोरवेल अपने कब्जे में लेने, पानी की चोरी करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पानी के प्राइवेट टैंकर जल बोर्ड के टैंकर वाले के पैसे लेने की शिकायतें मिली। मुझे पता चला है कि पानी के सरकारी टैंकर यहाँ काफी कमाते हैं, लोगों को सरकारी टैंकर वालों को भी पानी के पैसे देने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्याओं का समाधान करने मैं खुद आया हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी